हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में मैं बनाने वाले हैं दोस्तों खीर। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। खीर बनाने के लिए हमें ये सामग्री लगेगी। तो सामग्री में मैं ली हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक कटोरी भर के चीनी ली हूँ, एक कटोरी छोटी कटोरी से मैं ये कच्चा चावल ली हूँ, और यहाँ पर मैं आधे कटोरी ली हूँ छोटी कटोरी में ड्राई फ्रूट में मैं ली हूँ किशमिश, बादाम, काजू और दो हरी वाली इलायची। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में बड़ा कटोरी में मैंने दूध निकाल लिया है, और एक कटोरी इधर मैंने पानी ले ली हूँ। अब शुरू करते हैं दोस्तों बनाना खीर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस को जला लेते हैं और पतीले को यहाँ पर रख देते हैं गर्म होने के लिए। मैं इसी पतीले में बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देते हैं ये पानी जो हमने पानी लिए थे, ये पीने वाला पानी है। तो पतीला हमारा गर्म हो गया था, पानी मैं डाल दी हूँ यहाँ पर। अब इसको गर्म होने देते हैं पानी को। यहाँ पर मैं ये कटोरी ली हूँ, यहाँ पर ये चावल को हम डाल देते हैं। इसको अच्छे से 3 या 4 पानी से हम धो लेंगे हल्के हाथों से। इधर पानी हो गया, गर्म हो गया है, और यहाँ पर मैं चावल को अच्छे से 3-4 पानी से धो ली हूँ। ये देखिए कितना साफ चावल है। अब इसको हम छानते हुए डाल देते हैं पतीला में। सभी चावल को इस तरह से छान करके हम इसमें डाल देंगे। चावल को मैं सारा इसमें डाल दी हूँ। अब इसको हम चला देते हैं, और यहाँ पर आज को हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ज्यादा नहीं। अब इसको हम उबलने देते हैं। चावल यहाँ पर उबलने लगा है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सबसे पहले ये दूध। ये दूध जो हमने निकाल के रखे थे दोस्तों, ये वाला डाल देते हैं यहाँ पर। इसमें और दूध की जरूरत पड़ेगी तो मैं और डालूंगी। अब इसको इस तरह से हम मिला देते हैं। ये आधा चावल पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आंच को हम थोड़ा कम कर देते हैं धीमा, और इसको अच्छे से उबलने देते हैं कम आंच में। जितना ही कम आंच में खीर बनेगा दोस्तों, उतना अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी और दूध डाल रही हूँ दोस्तों, पूरा ये 1 kg दूध लग गया इसमें। अब इसमें हमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, दूध या पानी। ये दूध मैंने पूरा 1 kg डाल दिया है। अब इसको आंच को मैंने कम कर दी हूँ। अब इसको अच्छे से हम उबलने देते हैं। इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा। अब इसको हम उबलने देते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लेट ली हूँ। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट को डाल देती हूँ। ये सारा नहीं डालूंगी दोस्तों, इसको आधे ही डालूंगी। ये इतना डालूंगी ड्राई फ्रूट, इतना रख देती हूँ। और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में इसको मैं काट लूंगी चाकू से। और यहाँ पर जो 2 इलायची मैं ली हूँ, इसको सबसे पहले हम किसी चीज से इसको कैच लेंगे। बैलेंस से इसको कुछ लिया है दोस्तों, ये देखिए। अब ये इलायची को मैं इधर दूध में डाल देती हूँ खीर में। इलायची जो हमने लिए थे ये 2, अब इसको यहाँ पर डाल देते हैं और इसको मिला देते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को काट लेते हैं। इसको इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से काट के खीर में डालूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। खुदरा खुदरापन मिलेगा खीर में तो और भी अच्छा लगेगा खाने में। काजू के भी 3-4 टुकड़े टुकड़ लूंगी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में। तो सभी काजू, बादाम और किशमिश को इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट को काट ली हूँ। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल देते हैं दोस्तों खीर में। मीठा यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज्यादा। तो इसको अब हम चीनी डाल दिए, अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। ये आधा चावल पक गया है दोस्तों, और साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं ये ड्राई फ्रूट।
अब इसको हम पकने देते हैं आराम से कम आंच में। इसको बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा, इसको ढकेंगे नहीं यहाँ पर। तो खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, अब इसको हम पकने देते हैं आराम से। इसको चलाते रहेंगे हम, ये देखिए थोड़ा देर और ये और पकाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए हमारा खीर बनके रेडी हो गया दोस्तों। ये देखिए बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है खीर में से दोस्तों। अब हम गैस को देते हैं बंद कर, इसको कुछ देर के लिए हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसका हम ढक्कन हटा के आपको निकाल के दिखा रहे हैं दोस्तों। मेरी ये खीर बनके रेडी हो गया दोस्तों। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। इस तरह से आप जरूर एक बार बनाइएगा और कमेंट में बताइए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।